लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी के खेल संकुल में नव निर्मित सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि 50 लाख से खेल संकुल में खेल सुविधाओं का निर्माण होगा, इससे युवाओं और खिलाड़ियों में मेडल लाने का सपना पूरा होगा। इस मौके पर विधायक चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने ओम बिरला का धन्यवाद ज्ञापन किया। घूमने वालों के लिए ट्रैक बनेगा और इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इन सब के कोर्ट बनेंगे। एक बूंदी में स्विमिंग पूल 5 करोड़ की लागत से बनेगा। आने वाले समय के अंदर 26 करोड़ रुपए की और स्वीकृति हुई है। 26 करोड़ में एक यहाँ पर एक आवासीय छात्रावास भी बनेगा ताकि जो दूर दराज के गांव का विद्यार्थी स्पोर्ट खेल की अलग अलग गतिविधियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो यहां पर रहकर ही अपनी तैयारी करे। लोकसभा अध्यक्ष साहब श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बूंदी में सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण करवाया और उन्होंने बनवाया है। पहले हमारे बूंदी में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, हमारे पास पहले ऐसा ग्राउंड भी नहीं था जिससे बूंदी के खिलाड़ी बूंदी का नाम रोशन कर सके। ओम बिरला जी की तरफ से हमें बूंदी में एक सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए मिला है, इससे हमारे जो रेसर भाई है उनका सपना साकार हो पाएगा और वो अपने सपनों पर खड़े उतर पाएंगे। और ओम बिरला जी की ओर से यहाँ पर 10 करोड़ का ट्रैक बनाया गया है और हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि ओम बिरला जी ने ये अच्छा काम किया।